देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का सैमसंग का कीपैड वाला फ़ोन है और इसमें वाइब्रेशन वर्क नहीं कर रही है, या तो फ़ोन आते टाइम वाइब्रेट नहीं हो रहा है, या फिर जहाँ पर भी वाइब्रेट की ज़रूरत होती है, साइलेंट होने पर वाइब्रेट की ज़रूरत होती है, या फ़ोन में वाइब्रेशन जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे कैसे सही कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप मेन्यू में चले जाइए और उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर प्रोफाइल नज़र आ जाता है। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर प्रोफाइल है, इसे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, अगर आपका नॉर्मल में सेट नहीं है तो आप इसे नॉर्मल में सेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो ब्लैक डॉट है इसको नॉर्मल में, ऐसा साइलेंट पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है साइलेंट पे, वो नॉर्मल पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल पे करने के बाद ये ऑप्शन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। नीचे आपको एडिट दिखाई देगा, एडिट पर क्लिक करना है। अब देखिए, कॉल अलर्ट टाइप है तो इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपकी ओनली मेलोडी पे है सेलेक्ट, ओनली मेलोडी पे अगर ऐसा सेलेक्ट है या कहीं और सेलेक्ट है, तो ओनली यहाँ पर सिर्फ सॉन्ग ही बजेगा, म्यूजिक ही बजेगी, कोई साथ में वाइब्रेशन नहीं होगा। तो आपको उसके लिए यहाँ पर नीचे आके वाइब्रेशन एंड मेलोडी पे यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है और ये सेट हो जाएगा। अब आपका वाइब्रेशन भी ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मैसेजेस में भी चाहिए तो यहाँ पर मैसेजेस में भी सेम आपको मेथड करना है, नीचे वाइब्रेशन एंड इसमें मेलोडी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेन्यू में वापस जाना है और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स दिखाई देगा, इस पे आना है और आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है बटन से क्लिक कर करके। यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीसेट, इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक नंबर पर आपको दिखता है रीसेट सेटिंग्स, सेलेक्ट कर लेना है इसको। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस विल रीसेट ऑल सेटिंग एक्सेप्ट दोज सेट रिलेटिंग टू योर पर्सनल डेटा एंड डेटा रीसेट। तो कोई भी आपका पर्सनल डेटा, कोई कॉन्टैक्ट, कुछ भी यहाँ पर डिलीट नहीं होगा। जो भी गलत सेटिंग्स होगी वो डिफ़ॉल्ट में आएगी, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। बट मैं नहीं करूँगा, बट आप यहाँ से इसे यस कर दीजिए और उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा, ठीक है।